हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विकास और आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ। ये बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है इस टाइम, तो इसी सॉन्ग को आज हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो इसका टैब्स यानी लीड पार्ट प्ले करना सीखेंगे हम। तो आपने स्टार्टिंग में सुन ही लिया होगा कैसे प्ले हुआ है, तो उसे ही प्ले करना सीखेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर नए सॉन्ग के ईजी गिटार लेसन देखते रहने को मिलेंगे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी डायरेक्टली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो लेसन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे मैं कुछ बोलूँगा, जैसे मैं फ्रेट आपको स्ट्रिंग्स के नाम बता दूंगा, स्ट्रिंग्स का नंबर कौन सी 1 2 3 कौन सी स्ट्रिंग पे है और कौन से फ्रेट पे है। तो जैसे मैं बोलूँ तो 7 on 3rd string तो यानी 7th फ्रेट पे है, और जैसे 5 on 3rd string तो 5th फ्रेट पे है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। साथ में मैं आपको नोट्स स्क्रीन पर भी देता रहूँगा, जिससे आपको समझने में और इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं सॉन्ग। सॉन्ग को हम पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसे प्ले होगा। ठीक है, इसमें कैसे प्ले करना है, ये स्टार्ट होगा हमारा 3rd string से और 7th फ्रेट। 7th फ्रेट 3rd string पे चालू होगा। पहले एक बार होगा 7 on 3rd, फिर उसके बाद आ जाएंगे 2nd string पे। इस पे होगा 5 5, फिर 6 6, फिर 5 5, और फिर वापस 7th फ्रेट पे और 3rd string, ये 3 बार और 5। ये ऐसे प्ले होगा, ध्यान से सुनना इसको। 7 5 5, 6 6, 5 5, फिर 3rd string पे 7 7 7, 3 बार और 5। साउंड सुनना है इसकी कैसे प्ले होगा। ठीक है, आप कोशिश करें ऑल्टरनेट पिकिंग करें। ऑल्टरनेट पिकिंग का मतलब क्या है, डाउन अप डाउन अप। इससे क्या है, साउंड थोड़ी और अच्छी लगती है। अगर आप सिर्फ डाउन 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 करेंगे तो उससे साउंड अच्छी नहीं आएगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके आगे का पार्ट, तेरे बिन दिल नहीं हो लगता, ये होगा हमारा यहाँ से चलू 4th string और 8th फ्रेट। 4th string 8th फ्रेट, फिर 3rd string पे आ जाएंगे 5 पे 2 बार, फिर उसके जस्ट नीचे 2nd string और 5 पे 4 बार, फिर 3rd string 7, 2nd string 6, 5 और 3rd string 7। ये ऐसे प्ले होगा। एट ऑन 4th string, फिर 5 5 on 3rd string, फिर 5 4 बार on 2nd string, फिर 7 on 3rd, 6 5 on 2nd और फिर 7 on 3rd। ठीक है, तो इसके आगे वापस सेम रिपीट ही है, बस थोड़ा सा एक नोट एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, फिर उसको समझा दूंगा कैसे प्ले हुआ है। एक नोट लास्ट में एक्स्ट्रा है ना, हल्के से पॉज के बाद। तो ये होगा, इसमें पहले होगा 5 7 on 3rd string, फिर 5 5 on 2nd string, 6 6 on 2nd, 5 5, फिर 3rd string पे आ जाएंगे 7 3 बार, फिर 5 1 बार, हल्का सा पॉज के बाद एक और बार। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर तेरे बिन दिल नहीं हो लगना, ये तो सेम ही है। 8 on 4, फिर 5 5 3 पे 2 बार, फिर 5 4 बार 2 पे। ठीक है, फिर 7 6 5 7। इन पार्ट्स को मैं एक बार स्लो प्ले कर देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा साउंड कैसी आएगी। ठीक है, अब आई हमारी मेन लाइन, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ। स्टार्ट होगा 3rd string और 7th फ्रेट से। तो ये होगा, पहले होगा 3rd string पे 7, फिर 2nd string पे 5 5 2 बार, फिर 1st string पे 5 4 बार। ठीक है, फिर 2nd string पे 8, फिर 1st string पे
सिक्स फाइव और सेकंड स्ट्रिंग पे एट, ऐसे चलेगा। ठीक है, साथ में आप ऐप देखते रहिए जिससे आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। अब थर्ड फाइव मुझे सारी रहती है, ये चालू होगा थर्ड स्ट्रिंग से, थर्ड स्ट्रिंग पे होगा फाइव सेवन, फिर सेकंड स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, इस पे होगा फाइव, फिर एट चार बार, फिर सिक्स, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे फाइव और सेकंड स्ट्रिंग पे एट सिक्स। ये दोनों पार्ट्स लो, देखिए कैसे प्ले होंगे। ठीक है, वापस सेम चीज़ ही रिपीट करनी है, बस एक नोट एक्स्ट्रा आएगा तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ कहाँ पे एक्स्ट्रा नोट आएगा। सेम ही है, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, सेवन थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर फाइव फाइव सेकेंड स्ट्रिंग पे, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे फाइव चार बार, फिर एट सेकेंड स्ट्रिंग पे, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिक्स फाइव एट, और फिर हल्का से एक पॉज के बाद वापस एट, ऐसे आएगा ये। थर्ड फाइव मुझे सारी रहती है, सेम ही है, फाइव सेवन फाइव एट 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 सिक्स फाइव सिक्स सिक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे आएगा पेंदा सारी सारी रातें जगना तेरे बिन दिल नहीं हो लगना, ये हमारा स्टार्टिंग का जो था सेम उसी की तरह, ये स्टार्ट होगा वही थर्ड स्ट्रिंग और सेवन्थ फ्रेट से, सेवन फिर सेकंड स्ट्रिंग पे फाइव फाइव सिक्स सिक्स फाइव फाइव, फिर थर्ड स्ट्रिंग पे सेवन 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 फाइव और हल्के से पॉज के बाद फाइव, ऐसे चले गए। फिर तेरे बिन दिल नहीं हो लगना सेम ही है, फोर्थ स्ट्रिंग एट से एट फाइव 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 सेवन सिक्स फाइव सेवन, आगे का भी सेम है, सही जावे ना जुदाई सजना तेरे बिन दिल नहीं हो लगना, जो हमने पहले किया था सेम रिपीट ही है। लो प्ले कर देता हूँ मैं, आप उससे समझ लेना। ठीक है, तो ये हमारा सॉन्ग हो गया, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मैं एक बार पूरा सॉन्ग स्लो प्ले कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा पूरा सॉन्ग कैसे साउंड का। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सॉन्ग अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी लेसन था और इजीली समझाया मैंने आपको। तो अगर आपको समझ नहीं आया या फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉन्ग, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको ये कैसा लगा, या आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। साथ ही दोस्तों आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इजी और लेटेस्ट गिटार लेसन्स के वीडियो और देख करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।